बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन रोम बाकमा लोग हस्बे महबूब और आपका मेज़बान यूट्यूब जावेद कम्याना। नाज़रीन क्या माएँ थी, वो कमाल माएँ थी, कमाल बाप कमाल माएँ थी जिन्होंने ऐसी बाकमाल शख्सियात को जन्म दिया, जिन्होंने पाकिस्तान की तख्लीक की। लेके रहेंगे पाकिस्तान लाशें, फिर जिस तरह ये मुल्क बना और कायद ने क्या कहा, हम लाए हैं तूफान से इस कश्ती को निकाल के, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के। मैं परसों ही प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग सुन रहा था अपने प्रोग्राम की, और मेरी आंखों में आंसू थे कि जब ये सलीम रजा का गाया हुआ तराना चल रहा था तो मेरे लिए मुश्किल हो गया था कि मैं अपना रिकॉर्डेड प्रोग्राम देख सकूं। लाशें, किस तरह ये मुल्क बना, बंटवारा क्या हुआ, हमारे पाकिस्तान बनने के बाद इसकी तख्लीक के बाद हुक्मरानों ने क्या किया, क्या हुआ, फिर समझ नहीं आया उन बाओं को क्या कहूं जिन्होंने इंसान जन्म दिए लेकिन वो ऐसे इंसानों के हत्थे चढ़ गए कि वो जानवर बन गए, दरिंदे बन गए। उन्होंने जिस्मों के साथ बम बांध लिए और हमारे सोने गबरू जवान जामे शहादत नोश करने लगे। आज के पॉम हम उन शहीदों के नाम करेंगे जिन्होंने 65 की जंग में शहादत जामे शहादत नोश किया और जो अब तक इस मुल्क की हिफाजत के लिए जब हम सोते हैं और वो जागते हैं फिर जाते जाते अपनी जान का नजराना दे देते हैं। आज जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं वो बाकमाल वालदैन, बाकमाल दादा की बाकमाल पोती। डॉक्टर यास्मीन राशिद मेडिकल में कोई नया नाम नहीं, डॉक्टर साहिबा पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की सदर रह चुकी हैं। डॉक्टर साहिबा इंसानियत के जज्बे से सरशार हैं और हमेशा इनके दिल में अपने वतन के गरीब लोगों की खिदमत का जज्बा रहा। थैलेसीमिया जैसी बीमारी की रोकथाम के लिए K2 तक वॉक कर चुकी हैं और यही जज्बा इनको वतन अजीज के कोने कोने तक ले जाता रहा। मेरा नाम डॉक्टर यास्मीन राशिद है। मैं रिटायर हुई थी बतौर प्रोफेसर ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनेकोलॉजी की एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से। मैं एक पाकिस्तानी हूँ और सबसे अहम चीज़ है इस पाकिस्तान की मिट्टी से बहुत प्यार करती हूँ। बाहर से एजुकेशन हासिल करने के बावजूद वापस पाकिस्तान आई क्योंकि मैं यहीं काम करना चाहती थी, कहीं और काम नहीं करना चाहती थी। डॉक्टर साहिबा न सिर्फ मेडिकल के शोबे में अपनी खिदमात सर अंजाम देती रहीं बल्कि वेलफेयर के कामों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जहांदाद सोसाइटी कम्युनिटी डेवलपमेंट के नाम से डॉक्टर साहिबा NGO भी चलाती हैं, जिसके जेर एहतमाम जलजला जदगान की मदद में पेश रहीं और बजाते खुद जाकर डॉक्टरी के फराइज सर अंजाम देती रहीं। इसके अलावा डॉक्टर साहिबा वुमेन हेल्थ की चेयरपर्सन और टास्क फोर्स वुमेन डेवलपमेंट के लिए भी चेयरपर्सन के तौर पर फराइज सर अंजाम देती रहीं। जब जुल्मो सितम के कोहे गरां। थैलेसीमिया के बच्चों के लिए मैंने काम करना शुरू किया और फिर जब मुझे एहसास हुआ कि थैलेसीमिया के बारे में लोगों में शऊर पैदा मैं किसी और तरीके से नहीं कर सकती तो मैं एक दिन अपने साथ 5 बच्चे लेके तो बेस कैंप K2 चली गई और वो इतनी बड़ी खबर बनी कि पाकिस्तान के कोने कोने में लोगों को थैलेसीमिया के बारे में खबर हो गई। इतनी और शहीद 1965 की भतीजी, जनरल की भतीजी, फिर वो कमाल खातून, उन्होंने अपनी कमर कस ली और सियासत के मैदान में, खिदमत खल्क के मैदान में इस कदर आगे निकली कि लोग उनका एहतराम करना शुरू हो गए। आज हम आपकी मुलाकात करवाए हैं इज्जत माँ काबिल एहतराम हमारी बहन और सबकी बहन सबके ऊपर हाथ रखने वाली लाहौर का दिल और लाहौर में शेरे लाहौर के साथ पंजा आजमाई करने वाली शख्सियत। आइए मुलाकात कीजिए डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, नाइस टू हैव यू इन दिस प्रोग्राम बाकमा लोग। आपने बहुत अपना कीमती वक्त दिया और मेरे लिए बड़ा एजाज है। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं डॉक्टर साहब? आज सबसे पहले तो मैं वो आपको गुजारिश करूँगा कि हम शेयर करें और ये प्रोग्राम डेडिकेट करते हैं जो हमारे नौजवान, जो खूबसूरत गबरू पुलिस ऑफिसर जवान और हमारे बच्चे इन जालिमों के हाथों शहीद हो गए। देखिए जी, मेरा ख्याल है ये इतना बड़ा सानिया है और इन सारे सानियों में से पाकिस्तान के लिए सर्वाइव करना दिन ब दिन, हम मुझे लगता है कि हम एक ऐसी कुएं में जा रहे हैं जहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन वो बच्चे जो खड़े होके सामने, ख़ासतौर पर मेरी तो वैसे भी कैप्टन मुबीन से वाकफियत थी और मुझे इतनी तकलीफ हुई छोटे, मतलब जवानी में, अपने घर जवानी में वो अपना सब कुछ जो भरा हुआ उनका कौम की खातिर कुर्बान कर। लेकिन मसला ये है कि जी ये सारी चीज़ें जो हैं क्या किया जाए इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात जा रहे हैं और हम
دہشت گردی کے خلاف ایک جو مسلسل جنگ لڑ رہے ہیں اس کے پیچھے بہت لمبی کہانی سیکرٹ ہینڈز ہیں بدبخت ہیں دیکھیں نا جی ہمیں یہ تو اس دن سے شروع ہو گئی جس دن سے ضیاء الحق صاحب نے افغانستان میں ایک پراکسی جنگ لڑنی شروع کی امریکہ کے لیے اور وہ دن آیا اور یہ دن آیا اور پھر پاکستان نے کبھی ہم اس دہشت گردی کی دردر میں پھنستے ہی گئے جی پھنستے چلے گئے تو اب میں تو وہ کہتی ہوں کہ ہم جتنی دعا مانگے اور ان لوگوں کی بچوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں صبر دے اور ان کے گھر والوں کو صبر دے کیونکہ بڑا مشکل کام ہے جب انسان اس طرح کی آپ کی ہاسانہ موت ہو جاتی ہے اور شہادت بھی ہو جاتی ہے اور پھر گھر سے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سر سے والد ان کا چلا جانا اس دنیا میں مشکل ہو جاتا ہے اس بوڑھے باپ پہ کیا گزرتی ہوگی اس ماں پہ کیا گزرتی ہوگی جو گوش شہید ہے شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے ڈاکٹر صاحب ہم دعائیں کر سکتے ہیں پروردگار اس ملک پہ رحم فرمائے اور نظر بد سے بچائے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے آئیے ہمیں روایتی سوال جس کا آپ بہت بڑا حصہ ہیں تحریک انصاف کا امریکن صدر دنیا نے مخالفت کی امریکہ نے مخالفت کی تمام دنیا نے کہا نو ٹرمپ نو اور وہ آ گئے انہوں نے ایک ایگزیکٹو آرڈر کیا مسلمانوں کے لیے امریکن زمین تنگ کر دی آپ کے چیئرمین پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان صاحب نے ایک بیان دیا کہ پاکستانیوں کو امریکن ویزے ملنے ہی نہیں چاہیے تھے کس تناظر میں انہوں نے یہ بات کی لیکن مقصد یہ ہے کہ کیوں لوگ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں پہلے تو سب سے بڑی بات ہے کہ پاکستان کو کیوں چھوڑ کے ہم جائیں پاکستان ہمارا ملک ہے پاکستان ہماری ماں ہے پاکستان ہماری دھرتی ہے ہم پاکستان میں پیدا ہوئے بڑے ہوئے جو ہیں آج پاکستان میں پاکستان کی وجہ سے ہیں جب انسان چھوڑتا ہے اپنے گھر کو تو بہت مجبور ہو کے چھوڑتا ہے اور جب چھوڑ کے چلا جاتا ہے تو پھر جب جاتا ہے وہاں تو آپ کا کیا خیال ہے زندگی آسان ہوتی کسی بھی باہر والے ملک میں اگر آپ چاہو تو یو آر آلویز اے سیکنڈ ریٹ سٹیزن اینڈ آف دا ڈے عمران خان صاحب کی خواب ہے عمران صاحب یہ خواب دیکھتے ہیں کہ ہم پاکستان میں اتنی ترقی لائیں گے اس کو اتنا اچھا معاشرہ کر دیں گے یہاں میرٹ کا بول بالا ہوگا یہاں سے ہم کرپشن ختم کر دیں گے کہ ہمارے بچوں کو باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی یہ پاکستان کا دل اتنا بڑا ہے کہ یہ سارے لوگوں کو یہاں سمو لے گا اور سارے بچوں کو آئندہ کی زندگی بہتر بنانے کے بہت زیادہ موقع ملیں گے لیکن ہم لوگوں نے کبھی اس طریقے سے سوچا ہی نہیں اور ہماری جوان بہت جو پڑھتی لکھتی ہے اور کوئی قابلیت آتی ہے تو پھر وہ ایک باہر کی طرف اپنا رخ کر لیتے ہیں اس کی وجہ سے بہت بڑا پاکستان کو نقصان ہوتا ہے کیونکہ آپ کی برین ڈرین ہوتی ہے یعنی جو آپ کے اچھے دماغ ہیں جو بچے سوچتے ہیں اچھی طریقے سے جو باہر جا کے اتنے کامیاب ہو گئے ہیں ان سارے بچوں کو پاکستان میں رہنا چاہیے تھا پاکستان کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہیے تھا لیکن کیا بطور ملک ہم نے ان کو کوئی ایسا مواقع دیا کوئی ایسے چانسز دی تو نہیں دیے جی یہ بات آپ نے درست کی ڈاکٹر صاحب کہ ہم نے ان کو 70 سال میں ایسا موقع دیا کدھر جائیں یہاں وسائل نہیں ہیں عمران خان صاحب کی بات نہیں ہے سب بڑوں کے بچے اپنے ہی باہر تو بس ہمارے ملک میں کسی اور کی بات ہے پرائم منسٹر سب کے نہیں دیکھیں میں سب کے کہ اگر مقصد یہ ہے کہ اگر اس ملک میں حالات 3 دفعہ جو بندہ پرائم منسٹر رہا ہو وہ ملک کے حالات اچھا کرتا نا اپنے بچے بھی یہاں رکھتا اور لوگوں کے بچے بھی یہاں رکھتا لیکن آپ نے تو نہیں درست آپ ایک پرائم منسٹر کی بات نہ کریں میں تو سب کی بات کر رہا ہوں کہ سب مرنا یہاں ڈاکٹر صاحب مرنا یہاں لندن میں مر گئے مٹی نیلا جائے گی مٹی سائیوال جائے گی لاش وہاں جائے گی علاج پاکستان سے بھر یہاں بھی ڈاکٹر یاسمین بیٹھی بڑے بڑے ہاسپٹل ہیں بہت قابل ترین ڈاکٹر ہیں یہ لمبا موضوع ہے اس پہ پھر بات ہوگی بڑی اچھی خواہش ہے کہ ہم باہر نہ بھیجیں اپنے بچوں کو بھائی یہاں حالات تو پیدا کریں یہاں تو پھر آپ پنیری لگا رہے ہیں کہ پستول پر سنیچنگ کریں چوکوں پہ کھڑے ہو کے لوٹے اللہ تعالیٰ اس ملک کو سلامت رکھے نیک خواہش ہے آپ کے پی ٹی آئی کے چیف کی لیکن اپنے بچوں کو بھی کوشش کریں کہ وہ یہاں لائیں اور یہاں سر کریں اس ملک کو نواز شریف صاحب کو بھی کہوں گا سب کو کہوں گا کہ جائیں ہسپتالوں کا حال دیکھیں جائیں اسکولوں کا حال دیکھیں جائیں کبھی آپ میٹرو پہ سفر کر کے دیکھیں آپ جہازوں پہ آپ گاڑیوں پہ خاش ہم اس قابل ہوں کہ ہمارے بچے یہاں ہوں ڈاکٹر صاحب میں ایڈ کروں گا چھوٹی سی بات میں آئی ایم دی لکیسٹ فادر کہ میرے بیٹے نے گولڈ میڈل لیا آئی ٹی میں برونر یونیورسٹی لنڈن سے پاکستان میں جاب نہیں ہوا وہاں بی ایم ڈبلیو نے اس کو آنکھوں پہ بٹھائے ہوئے مائکروسافٹ نے کہا کہ یہ ہیرا ہے کیا کروں کدھر جائیں وہ بچے آپ کے بچے بھی ایسے آپ خود باہر پڑھے عمران خان صاحب خود پڑھے نواز شریف تو اس ملک کے لیے وی پرے کہ پروردگار اس کو اس قابل کرے کہ ٹرمپ جیسا بندہ منہ کی کھائے کہ
वो गोरे अमरीकी आके यहाँ हमारे स्कूलों में पढ़े और यहाँ से तालीम हासिल करें। डॉक्टर साहब ये बताइए, आपने जावेद हाशमी साहब को बड़े चाव से लिया, बड़े ताज पहनाए, सारा कुछ इज्जत दी, वजह क्यों हुई कि वो बंद गली में चले गए और फिर एक हादसा हुआ और कन्फ्लिक्ट हो गया और कन्फ्रंटेशन स्टार्ट हो गई? बहुत सारी गलतफहमियों का शिकार थे और शायद उन्हें समझ ही नहीं आई। मेरा ख्याल है जो इमरान खान को बतौर लीडर सही समझता है, मैं तो उसे अपना लीडर मानती हूँ और उसको बहुत सही तरीके से समझती हूँ। इमरान खान जैसा बंदा जो है, अगर वाकई फौज की कभी ख्वाहिश करता तो आपका क्या ख्याल है उससे आज से पहले प्राइम मिनिस्टर बनना कोई उसके लिए मसला था? असल में तो प्राइम मिनिस्टर बेचारा बनता ही इसलिए नहीं है कि क्योंकि हर मरतबा ही कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाई एनी वन। दैट इज द सॉर्ट ऑफ लीडर यू वॉन्ट, वो बंदा जो टोटली इंडिपेंडेंट हो, वो बंदा जो अपना इंडिपेंडेंट ओपिनियन रखता हो, वो बंदा जो विजनरी हो, वो बंदा जो पाकिस्तान की बेहतरी करना चाहता हो, वो बंदा जो बिलीव करता हो कि अगर हम पाकिस्तान में हालात ऐसे पैदा करेंगे तो हम अच्छा सा अच्छा काम कर सकते हैं। उसने प्रूव किया है, उसने शौकत खाना बनाया, उसने नमल यूनिवर्सिटी बनाया, इसी माहौल के अंदर बनाया। आई बेग पार्डन डॉक्टर साहब जी, माफी चाहता हूँ, उन्होंने नहीं बनाई, छोटे छोटे गरीब बच्चों ने बनाई, बेवा औरतों ने बनाई, एक लम्हा नहीं। देखिए जमीन जमीन सरकारी इंपॉर्टेंट, देखिए आप कह रहे हैं ना कि उन्होंने बनाया, नीयत उनकी है। देखिए मैं उसके आप देखिए जो नवाज शरीफ साहब ने या हुकूमत ने बनाना, वो किसके पैसे, वो भी थे उन गरीबों के और उनके टैक्स पेयर्स की मनी है जिसके साथ हर किस्म की अय्याशी की जाती है, बजाय ये कि आप पाकिस्तान के लोगों पर और पाकिस्तान के बाशिंदों पर खर्च करें और पाकिस्तान के हालात बेहतर करें। आई डू एग्री विद यू। सो द थिंग इज दिस कि जहां तक क्रेडिबिलिटी का ताल्लुक है, इमरान खान जैसी क्रेडिबिलिटी किसी के पास नहीं है। आज अगर कोई गरीब बच्चा या छोटे बच्चे या माएं या बड़े उसको पैसे देने को तैयार होते हैं, उसकी जो भी वो प्रोजेक्ट बनाते हैं तो क्यों देते हैं? बिकॉज उस पर एतबार करते हैं, उनको इस बात का एतबार है कि जो बनाएगा उस इंस्टीट्यूशन का फायदा जो है पाकिस्तान के गरीब आदमी। डॉक्टर साहब ये एग्री, ये बात सुन लीजिए, ये नहीं कि मेरे, चूंकि मैं आपके आबाओ अजदाद को जानता हूँ, आपके वालिद ने अपनी जमीन दे दी। डॉक्टर साहब दो मिनट के लिए आप जरा पीछे के हाले से बाहर निकल सोचिए कि मैं पूरी स्टडी करके आया हूँ, मैं वहाँ रात आपके गांव में रह के आऊँ, जो छोटी छोटी गलियों में जहाँ आपके आबाओ अजदाद ने अपनी ज़मीनें दे दी, अपने ज़मीनें दे दी और हस्पताल बनाए, अपनी ज़मीन में डिस्पेंसरियाँ बनाई, इसमें फील करने की बात नहीं है। इस कौम के बच्चों ने, बेवा औरतों ने, बूढ़ों ने अपने जेवर दे दिए इमरान खान साहब को हॉस्पिटल बनाने के लिए, अच्छी बात है। लेकिन जिन्होंने आपको 5 हॉस्पिटल दिए, इस पंजाब में 7 हॉस्पिटल दिए, वो कलमा गोनी थे, गुलाब देवी न्यू हॉस्पिटल गंगाराम, वो चैरिटी करके चले गए, अरबों रुपए की जमीन दे के चले गए, ठीक है, इज इट ट्रू? मैं तो हैरान हो गया कि इतनी महंगी आपके गांव की जमीन आपके वालिद ने दी के जो कुछ मिला, और आपके चचा ने, ये कोई तारीफ की बात नहीं है, इट्स द हिस्ट्री। 65 का शहीद जो है कैप्टन सादिक ब्रोच को जो उनके उनको गवर्नमेंट ने दिया, इज इट राइट? उन्हें वहां लगा दिया, आपके गांव में लगा हुआ, तो अच्छी बात है। नीयत पे, इमरान खान साहब की नीयत पे तो बात ही नहीं हो रही, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, लेकिन इस कौम ने भी कंट्रीब्यूट किया कि जो कुछ आया लगा दिया। इस कौम का तो कोई मुकाबला नहीं है, हम कौम की बात कर रहे हैं। कौम हमेशा उस बंदे के पीछे खड़ी होगी जिससे वो उम्मीद रखते हैं कि ये कौम के लिए अच्छा काम करेगा, तभी लोग इमरान खान को देने पर तैयार इसलिए होते हैं सारे अपने पैसे, अपनी जमा पूंजी, क्योंकि उन्हें पता है कि वो उसको खुद पुर नहीं करेगा और वो सही जगह खर्च। दैट्स ट्रू, सो दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। ओके, एक आप किसी की क्रेडिबिलिटी की बात करें ना, इस वक्त मेरा ख्याल है देयर इज एनी क्रेडिबल लीडर इन पाकिस्तान वो इमरान खान है, बिकॉज एवरीबॉडी बिलीव्स इन हिज क्रेडिबिलिटी, नोबडी कैन एवर से दैट ही इज डिसऑनेस्ट फॉर अ सिंपल रीजन। एक इंसान अपनी जिंदगी उसने वक्फ कर दी है पाकिस्तान के लिए, कौन सा ऐसा मेरा ख्याल है जो आपको ऐसा लीडर मिलेगा जिसकी जिंदगी जो है वो चाहता है कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, सुबह उठता है, शाम होती है, यही बात करता है कि भी पाकिस्तान के हालात बेहतर करे जाए, एंड ही हैज प्रूव्ड इट। दैट्स ट्रू जी। ये बताइए, इतना बड़ा जो दंगल हुआ यहाँ लाहौर में, एक शेर के साथ आपने पंजा आजमाई की, ये आपको कभी खौफ नहीं आया कि मैं यहाँ से हल्के से इलेक्शन लड़ूंगी? और आप सब जब गलियों वाले भागे तो आपने कहा नहीं मैं इलेक्शन लड़ूंगी, और आपने खूब वोट लिए, इसका भी राज बताइए डॉक्टर साहब। मेरा ख्याल है इट वाज ए पार्टी डिसीजन या आपको भी शौक था और औखा काम था? देखिए बात यह है कि I am a person who believes in organization and I believe in parties and I believe in party decision. But nobody would dare to do that. मैं discipline में believe करती हूँ। मेरे chairperson की, chairman की ख्वाहिश थी कि मैं
नवाज शरीफ के खिलाफ इलेक्शन लड़ूं तो मैं नवाज शरीफ के खिलाफ तो वंडरफुल कमाल इलेक्शन लड़ा। मकसद ये है कि इलेक्शन लड़ना तो था ही, मैंने इलेक्शन में यहाँ से नहीं लड़ती तो किसी और कॉन्स्टिट्यूएंट से लड़ लेती। नहीं, आई मस्ट अप्रिशिएट ये बात दुरुस्त डॉक्टर साहब, यहाँ से बैठ के कोई बंदा जाके बेनजीर के मुकाबले में लड़का ना सोचे, वो खुदकुशी के मुताबिक है। आपको आई कंग्रेचुलेट कि आपने बड़ा इलेक्शन लड़ा, सो वंडरफुल, और मुझे ये एजाज है और आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे दोस्त की बहन कमाल इलेक्शन लड़ा। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, आप खैरियत से रहे, और आवर भी आपकी तरह, उसने भी बड़े बड़े कप्तान, वो खुद कप्तान है लेकिन वो कप्तानों का बाप है, उसने कप्तान पढ़ाया, मैं भी हेड ऑफिस में था तो कमाल बात हुई। एक कप्तान को मैंने कहा कि मैंने आमिर कमाल मेरा भाई है, मैंने उसका एंट्री किया, उसने कहा सर वो हमारे उस्ताद हैं, मेरा दिल इतना बड़ा हो गया। तो आप उनकी बड़ी बहन है, हमें आपका बड़ा एहतराम है। जो इलेक्शन आपने लड़ा तारीख में लिखा जाएगा, हार जीत तो होती रहती है, हार जीत तो हेल्दी हार गई डजंट मैटर, वंडरफुल। अच्छा जज साहब, माफी चाहता हूँ डॉक्टर साहब, सच बड़ा कड़वा होता है। व्हाट हैपेंड विद द डिसीजन एंड द बोल्ड डिसीजन ऑफ जस्टिस वजीउद्दीन, मेरिट पे बात कीजिएगा। नहीं, मेरा ख्याल है, देखिए इम्पोर्टेंट ये, आपने खुद लगाया। नहीं, मैं खुद लड़ी हूँ इलेक्शन, और इलेक्शन में मेरे खिलाफ तो कोई किसी किस्म की कोई बात उन्होंने नहीं कही। इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि आप पार्टी के अंदर अगर कोई गलत काम हुआ और आपने सोचा कि इलेक्शन जो थे दे वर नॉट अप टू पार या उसके अंदर कोई प्रॉब्लम रहा, तो जस्टिस वजीउद्दीन के कहने के ऊपर इमरान खान साहब ने कहा कि मैं पार्टी डिसॉल्व कर देता हूँ, उन्हीं के कहने के ऊपर हुआ ना उस चीज़ को। देखे, जब आप पार्टी डिसिप्लिन में बिलीव करते हैं, मेरी और खान साहब के दरमियान अगर कोई किसी बात पे हमारी कोई फ़र्क सोच है या हम मैं उनके साथ इस चीज़ पे बहस करती हूँ, तो मेरी बहस मुबाहिसा जो है पार्टी के अंदर ही रहना चाहिए। इस चीज़ को आपको प्रेस में उछालने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत इज्जत करती हूँ जस्टिस साहब की, ही हैज़ बीन अ वेरी अपराइट जज, लेकिन मेरा ख्याल है लोगों ने उनको मिसगाइड किया। खान साहब की बहुत इज्जत करते हैं, इतना बड़ा आदमी उसको गाइड नहीं हो सकता, मतलब डॉक्टर साहब नहीं, मिस गाइड इस तरीके से क्यों नहीं हो सकते जी। मसला ये है कि एक चीज को आप प्रेस में ले जाएंगे जी फला, आपने कहा कि जी इन गलत हुआ इलेक्शन, आपने कहा कि जी फला फला बंदों ने गलत काम किया, ठीक है। आपने जब ये कहा तो खान साहब ने आपके कहने के ऊपर सारी पार्टी डिसॉल्व कर दी। मैंने खान साहब से जाकर सवाल पूछा था कि आप क्यों कर रहे हैं, मेरे खिलाफ तो कोई ऐसी वो नहीं है, इल्जाम नहीं है, तो वाई एम आई बी डिसॉल्व ऑल्सो। बट उन्होंने कहा कि अगर हमें ये एतराज़ हुआ है और ये इलेक्शन प्रॉपर नहीं है अकॉर्डिंग टू जस्टिस वजीउद्दीन, तो हमें पूरी पार्टी डिसॉल्व करनी पड़ेगी। फिर उनकी वजह नाराजगी क्यों मानी, व्हाई? ये तो आप सो डायमंड पर्सन, देखिए ये तो आपकी पार्टी का बता, देखिए जावेद हाशमी के साथ कन्फ्रंटेशन होगी वो अलहदा हो गया, जस्टिस वजीउद्दीन आप के साथ, ये तो जस्टिस साहब से आप पूछेंगे ना, मैं उनकी जगह तो कोई जवाब नहीं दे सकती ना, मेरे लिए जवाब देना उनकी जगह बहुत मुश्किल है। अब तो उन्होंने अपनी कोई पार्टी बना ली है, तो मेरा ख्याल है तो ओके हम उनसे, अच्छा उन्होंने अपनी पार्टी बना ली, क्यों निकलता जा रहा है वो अपनी पार्टियां तराशे हैं, दैट्स वंडरफुल, वी विल ट्राई टू सीक इंटरव्यू ऑफ जस्टिस वजीउद्दीन साहब और उनसे हम पूछेंगे कि क्या हुआ कि आपका इतना एहतराम और आपकी फिर आपको बंद गली में। चलिए हम उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब इतना बड़ा थंडरिंग धरना, तारीख सास, दुनिया आ गई, सब समेट के आपके यहाँ आ गए, वजह बताइए। कराची में आपको फ्री हैंड दे दिया गया, वहां के हल्का, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, दैट वाज 246 जिसका इलेक्शन हुआ था कराची में, एनए 246, वहां आपको तमाम फैसिलिटी दे दी गई, जो कहा जाता था कि हम डब्बे छीन लेती है, सारा कुछ होता है, फ्री हैंड। देन उसके बाद बल्दियाती जो इलेक्शन हुए उसमें भी कोई खातर खा कामयाबी क्यों हासिल नहीं हुई, इतना आप कप्तान साहब ने उछाल के रख दिया, कौम को जगा के रख दिया, लेकिन डब्बे से क्यों नहीं वोट निकलता? मेरा ख्याल है ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में बहुत सारे सियासी लोग और मेरे अलावा सब यही बताएंगे। डायनेमिक्स जो होते हैं ना लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस के, वो बड़े डिफरेंट होते हैं फ्रॉम द डायनेमिक्स ऑफ नेशनल इलेक्शंस। ओके, जो आपके ज़िमनी इलेक्शन है उसके भी डायनेमिक्स डिफरेंट होते हैं। मकसद ये है कि लोग जो पर्टिकुलरली लोकल गवर्नमेंट के लेवल पे होते हैं, लोग उन पार्टियों को वोट करते हैं जिनसे वो सोचते हैं कि क्योंकि ये बेनिफिशियल होंगी, क्योंकि वो हुकूमत में है इसलिए हुकूमत इनको कोई ग्रांट देगी, कोई पैसे देगी, हमारे काम होंगे, कोई हमारी सड़कें सीधी होंगी, गलियाँ सीधी होंगी। इसलिए जो डायनेमिक्स है लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन की, वो कोई खास ऐसे डिफरेंट नहीं है। आप फॉर एग्जाम्पल आप कश्मीर के इलेक्शन ले लें, कश्मीर अगर आप हिस्ट्री देखें 70 साल की, तो कश्मीर आज़ाद कश्मीर हमेशा उन लोगों को इलेक्ट करता है,
जो इस वक्त सिटिंग फेडरल गवर्नमेंट है उसको आप गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन को ले लें तो गिलगित बल्तिस्तान भी हमेशा उन लोगों को इलेक्ट करता है जो सिटिंग गवर्नमेंट होते हैं। इससे पहले पीपल पार्टी की हुकूमत इतने अरसे से चली आ रही थी, अब नून लीग की आ गई है। नहीं कोई तो डेंट डाले आप नहीं डेंट देखिए जी, डेंट डालने का जहाँ तक मकसद है, इस वक्त पाकिस्तान में अगर दूसरी बड़ी पार्टी सामने आई है ये तो यस तरीके इंसाफ है। और अगर आप लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन में भी देख लेंगे तो हर जगह तरीके इंसाफ अगर नंबर वन नहीं है तो नंबर टू है। अगर आप नवाज शरीफ के हल्के में आप देख लें तो 23 जो यूनियन काउंसिल 17 यूनियन काउंसिल जो थी उसके अंदर मेरे जो चेयरमैन थे वो देवर नंबर टू मतलब दूसरे नंबर पे थे। इसका ये मतलब है कोई और तो था ही कोई नहीं, ना पीपल पार्टी नजर आई ना जमात इस्लामी ने नजर आई, तो सिर्फ एक तरीके इंसाफ ही नजर आई जो मुकाबला कर रही है इस वक्त नून लीग का। आगे आ गया कि जी वहाँ से अगर मेरे 12 काउंसलर्स इलेक्ट हो गए तो उसका मतलब है कोई लोग अंधे थोड़ी बैठे हुए। ओवरऑल जो वोट अक्यूमुलेट हुई है वो आपको तकरीबन 38-40 हज़ार वोट हमारी लोकल गवर्नमेंट में पड़ी है विच इज़ वेरी गुड बिकॉज उनकी भी 52 हज़ार वोट है। सो एंड ऑफ द डे पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो है वो बहुत मजबूत नेक टू नेक चल रही है। बिल्कुल यहाँ जो लाहौर का इलेक्शन हुआ यहाँ बैठे हुए मतलब अलीम खान जो है 2000 वोट से हारना को हारना ये तो दोबारा नहीं काम करे तो पता चल जाएगा कि वो जीता हुआ है नंबर वन। नंबर टू आपने वहाँ तरीन साहब ने इलेक्शन लड़ी बाय इलेक्शन ही वन दी इलेक्शन। उसके बाद यहाँ से शोएब सदीकी जो है वो आपका एम पी ए बन गया। इसके नीचे हमारे इसमें अयाज सादिक ऊपर एम एन ए है उनके नीचे एम पी ए दोनों पी टी आई के। ये तो बातें जो हैं इसमें तो पूरी कहानी और बहुत लंबा इस पे डिस्कशन हो सकती है और हुकूमत की सारी मशीनरी सारे मिनिस्टर हर किस्म के रिसोर्सेज हर चीज इस्तेमाल होती है व्हिच इज रॉन्ग हर गवर्नमेंट करती है। हां गलत करती है इसमें डन एक्टिविटी दैट बलूचिस्तान एंड सिंध आल्सो हां बट मेरा इट शुड नॉट बी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पे क्यों नहीं इल्जाम लगे। लोकल गवर्नमेंट की इलेक्शन हुई, मैं एक बात कर रही हूं इलेक्शन हुई लोकल एक सेकंड लोकल गवर्नमेंट की इलेक्शन हुई वहाँ दूसरी पार्टियों के भी लोग इलेक्ट हुए हमारे भी लोग इलेक्ट हुए क्यों नहीं वहाँ शोर मचा के जी वहाँ गवर्नमेंट द गवर्नमेंट इज नॉट एंड डिड नॉट इंटरफेयर। अब देखिए पॉलिटिसाइजेशन का जहाँ तक लोकसभा आपके वजीर डब्बे उठाते हुए पकड़े गए देखिए दैट वाज अ लोकल इट्स अ बैड स्टिग्मा। मेरा ख्याल है जो उस एक आप तो जो नेशनल इलेक्शन में माशाल्लाह इनके वजीर ने अपने डब्बे उठा के ले गए थे जिनको साद रफीक साहब जो सुपरवाइजर है ये बेहतर बिल्कुल इसको डिफेंड नहीं कर रहे वी हेट दैट लेकिन खान साहब हैज टेकन एक्शन अगेंस्ट हिम उसके खिलाफ एक्शन ली गई उसको पार्टी से सस्पेंड किया गया बाकायदा रिप्रीमांड किया गया सब की किया okay. इन लोगों ने कभी किया और उन्होंने तो मिनिस्टर बना दिया। चलिए अच्छा है हम ये एक तो मुझे ये बात से आप भी एग्री करेंगी कि इस बात का तो हमें तकाबली जायजा लेना ही नहीं कि उन्होंने ये किया इंडिया में ये फ्लॉ है हम इंशाल्लाह वी एक्सपेक्ट मच बेटर। मैं आपको बताऊं कि मैं तो सांसददान नहीं हूं एक गायनेकोलॉजिस्ट और डॉक्टर हूं। अगर डॉक्टर साहब एक छोटे से वक्फे के लिए